अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 15, 15 दो बार और एक ये, राइट। सो पिछली क्लास मैंने जो की थी उसमें मुझे ये कहा गया था कि जी सर जी क्लास बहुत छोटी थी यार, 18 मिनट की क्लास छोटी नहीं होती भाई। और या प्रॉब्लम सारा ये है भाई कि अगर हमारा टॉपिक छोटा होगा तो मुझे यकीनन क्लास छोटी रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये हो सक ये करूँ मैं कि एक ही क्लास में यानी एक ही टॉपिक में मैं अगर दूसरा टॉपिक घुसेड़ दूँ तो यार आप लोग जो नहीं समझ पाएंगे सीरियसली, लाइक जो बिल्कुल जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो क्लास को ज़रूरत होगी ज़्यादा लंबा रखने की मैं डेफिनेटली लंबा रखूँगा, लेकिन जिस क्लास को हमें जल्दी कवर कर सकते हैं तो उसमें जल्दी कवर करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पैटर्न जो स्वाचेस बना के दिखाए थे, बीच में मैं कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स डालूंगा उसमें कि आप किस तरह से और कोई पैटर्न बना सकते हैं, वो एक बात की बात है। मगर मैं चाह रहा हूँ पहले मेरा पूरा इलस्ट्रेटर की जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ट्यूटोरियल्स का सिलसिला भी होगा एंड हमें फोटोशॉप भी स्टार्ट करना है, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे ब्रशेस। और बिलीव मी और नॉट, बहुत एक्सीलेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है और बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, एंड आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं, राइट। सो मैं आप लोगों को जैसे पहले बता चुका हूँ कि हम यूज़ भी कर चुके हैं, ये एक पेंसिल टूल था और एक यहाँ पर आपके पास था ब्रश टूल, पेंट ब्रश, नॉट द ब्लॉब ब्रश, पेंट ब्रश टूल, ठीक है। पेंसिल के स्ट्रोक में और ब्रश के स्ट्रोक में अगर आप देखें तो बहुत वाज़े सा डिफरेंस है, वो ये कि पेंसिल का स्ट्रोक पतला है, ब्रश का स्ट्रोक चौड़ा है, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। हमारे पास यहाँ पर कुछ कस्टम ब्रशेस दिए हैं और हम इन ब्रशेस को इस ब्रश टूल के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो वैसे तो आप किसी भी स्ट्रोक पर अगर आप क्लिक कर दें तो ये अप्लाई कर देता है, लेकिन ब्रश टूल की खासियत क्या है कि वो आपको लाइव रिजल्ट दे रहा होता है, लाइक जैसे आपने स्ट्रोक बनाया आपको उसी स्टाइल का स्ट्रोक बना के देगा। लेकिन अगर आपकी जो पाथ है वो आपने पेन टूल से या पेंसिल से या किसी भी चीज़ से बनाई है, जब आप बनाएंगे तो उस पर आपका ब्रश नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप जब क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाता है। गर्ज ये कि आप यहाँ पर जितने भी ये कस्टम ब्रशेस जो देख रहे हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी पाथ पे, ठीक है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आप लोगों को बताने के लिए एक क्लास शुरू की है ये। सो होता ये है कि हम बहुत सारे ब्रशेस अपने खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उससे पहले कुछ आप लोगों को समझाना है कि कितनी टाइप्स के ब्रशेस यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास स्वाचेस की लाइब्रेरी है, उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ब्रशेस की भी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। सो जैसे ये हैं एरोज आर्टिस्टिक, सो लेट्स सी, ये एरोज मैं देख लेता हूँ, एरोज स्पेशल, ये देखें आपके पास कुछ एरोज वाले ब्रशेज मौजूद हैं, राइट। अगर हम इनको यूज़ करना चाहें, मैंने ये ब्रश लिया एंड मैं अपना ब्रश टूल ले रहा हूँ और सी दिस, ये आप अपने एरोज बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस वक्त सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हैं क्या, ताकि आप समझ जाएं कि हम बनाने क्या वाले हैं, ठीक है। जब तक कि आपको यही नहीं पता है कि हम जो ब्रशेज हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं, आप उसको बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो मैं पहले आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ब्रशेज क्या हैं, किस तरह से चल रहे होते हैं। याद रखिएगा कि ब्रशेज जो हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रश टूल से यूज़ करें। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप इवन पेन टूल से भी कोई पाथ बनाते हैं लाइक दिस और उसके बाद आप अपने ब्रश पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरी पाथ पे आपका ब्रश अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो टोटल ब्रशेस की टाइप्स हैं वो हैं 5, ठीक है। कैलीग्राफिक ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश एंड पैटर्न ब्रश। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कैलीग्राफिक ब्रश। अच्छा, कैलीग्राफिक ब्रश क्या है और किस तरह से होते हैं, देखिए मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, जो हमारे डिफ़ॉल्ट ब्रशेस का पैनल है ये आपके सामने है। यहाँ ऊपर के जो ब्रशेस हैं ये आपके सारे कैलीग्राफिक ब्रशेस हैं। सो अगर मैं इनमें से किसी ब्रश को यूज़ करके आपको दिखाऊँ तो सी दिस, ये आप अगर कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं, खत्ताती, राइट, उर्दू में खत्ताती कहते हैं और अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में
कैलीग्राफी कहते हैं, ठीक है। मैं ऑनेस्टली मेरी कैलीग्राफी अच्छी नहीं है, मैं इसलिए कुछ करके नहीं दिखा रहा आप लोगों को, बट यू शुड नो कि ये ब्रशेज जो हैं आपके कैलीग्राफी के ब्रशेज हैं। एंड मिसाल के तौर पर मैं अपना खुद एक कैलीग्राफी ब्रश बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर आके देखें, यहाँ नीचे एक आपके पास बटन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ आ रहा है इस पर न्यू ब्रश, ठीक है। मैं ये भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बटन याद रखिएगा, ये एक न्यू डॉक्यूमेंट वाला बटन आपको कई जगह दिखेगा, न्यू लेयर पे, न्यू फाइल पे, बहुत सारी जगहों पर ये आइकन आपका बड़ा देखा वाला सा है, सही है। सो ये न्यू ब्रश का आइकन है, मैं इसको वापस जूम आउट कर रहा हूँ स्क्रीन को। न्यू ब्रश का आइकन जैसे आप क्लिक करते हो, आपके पास ये एक न्यू ब्रश का एक डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि किस टाइप का ब्रश आपको बनाना है, सही है। ये है मेरा पहला जो है कैलीग्राफिक ब्रश, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, इसको आप सिंपली ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करते हैं, आपके पास ये एक पैनल आता है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि जिसका नाम क्या रखना है, आप नाम रखना चाहे नाम रख लें, और यहाँ नीचे आपको एक डिस्प्ले दिख रहा है जिसमें तीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो बीच में जो डार्क वाला डॉट है ये एक्चुअली आपका ब्रश है। सो बाय डिफॉल्ट इसने ये ब्रश बना के दे दिया, अगर मैं इसको एज इट इज ओके कर दूं तो ये वाला ब्रश आपके पास यहाँ पर एड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको ओके अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें कुछ चीजें चेंज कर रहा हूँ। देखिए, एक जो चीज आपको दी हुई है एंगल, अब ऑब्वियसली यार राउंड ऑब्जेक्ट को मैं अगर रोटेट करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो गोल जितना भी घुमा ले वो गोल ही है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसकी मैं अगर मैं इसकी राउंडनेस कम कर दूं, राउंडनेस कम करने में ये हो रहा है कि देखें गौर से, पहले तो मैं एक और चीज कर रहा हूँ कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिखे तो सही क्या हो क्या रहा है, ठीक है। सो ये अगर आप देखें, ये इस वक्त मेरा ब्रश है, ये राउंडनेस में कम कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एंगल मैं इसका अभी जीरो कर रहा हूँ, एंड यहां से आप देखें ये आपका साइज है, ये इसकी राउंडनेस है। सो अगर आप इसको बिल्कुल इस तरह से रखना चाह रहे हैं तो आप यूं यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली कैलीग्राफी में एक खास एंगल जो 45 डिग्री का है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। सो अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री टाइप कर दें तो देखें ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की चीज, मैं इन सबको नॉर्मल कर रहा हूँ दोबारा से, देखिए यहां पर एक छोटा सा जो ये एक सर्कल के अंदर कुछ डॉट्स और एरो दिख रहे हैं, ये मजेदार सी चीज इसलिए है कि आप डायरेक्टली यहां से भी अपनी ये वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं कि आप इन स्लाइडर से करें, आप यहां से भी आके कर सकते हैं सीधे। मैं इसको ये जो दो छोटे छोटे से डॉट्स हैं, इनमें से किसी भी एक डॉट को पकड़ के आप ड्रैग करो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ये इसकी राउंडनेस चेंज हो रही होती है। प्लस आपके पास यहाँ पर जो ये एरो दिया हुआ है, इससे पकड़ के आप इसको रोटेट कर सकते हैं, मगर यूजुअली मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि मैं यहाँ स्लाइडर्स के साथ करूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यार मैं कितने परसेंट राउंडनेस रख रहा हूँ, कितना मैं डिग्री रोटेशन या एंगल रख रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, ये आपका बहुत ही बारीक सा, बल्कि मैं इसकी राउंडनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, इसका ये आपका एक 45 डिग्री के एंगल पे आपका एक ब्रश बना हुआ आ गया। सो अगर जो भी आप में से कोई कैलीग्राफी करता हो तो उसको पता होगा, एक पैरेलल पेन कहलाता है या कट पेन कहलाता है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैलीग्राफी के लिए। सो अब देखें, ये वाले ब्रश से मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि आप बहुत इजीली कैलीग्राफी कर सकते हैं। मैंने कहा था मेरी कैलीग्राफी बहुत घटिया है, बहुत बुरी है, सो प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं कैलीग्राफी कुछ करके आपको अच्छी से दिखाऊं। हाँ, कुछ कुछ हरूफ हैं जो मैं बहुत बुरा लिखता हूँ यार मैं। एनीवेज, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कैलीग्राफी जानते होंगे, अगर पेपर पे आपने की है तो इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा, दिस इज़ अमेजिंग। हाँ, अलबत्ता माउस के थ्रू करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है, वैकॉम टैबलेट, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ अर्से में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वैसे मैं इलस्ट्रेटर में इतना टैबलेट यूज़ नहीं करता, इलस्ट्रेटर में मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं माउस यूज़ करूँ, टैबलेट में फोटोशॉप पर ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। एनीवेज, सो ये था हमारा कैलीग्राफिक ब्रश, ठीक है। अच्छा, कैलीग्राफिक ब्रश में आप जिस तरह के चाहें, बस सिंपली यहाँ से आके न्यू करें और यहाँ ओके करें, और आप अपना जो भी सेटिंग्स करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल। दूसरी टाइप का जो हमारे पास ब्रश है, देखें जैसे मैं न्यू करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है स्कैटर ब्रश, मगर गौर से देखें ये डिसेबल्ड है, और इस डिसेबल्ड होने का वजह यह है कि देखें स्कैटर ब्रश बनाने के लिए हमें एक आर्टवर्क की जरूरत है जो कि स्कैटर होगा। स्कैटर क्या होता है वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। स्कैटर किसे कहते हैं? स्कैटर इंग्लिश में कहते हैं किसी चीज़ को फैला देना। तो अगर आप कभी मेरा इत्तेफाक से
ये कैमरा गिर जाए और आप मेरा ये कमरा देखें तो आपको बहुत फैला हुआ दिखेगा, ऊपर से बहुत साफ है, ट्रस्ट मी बहुत कुछ स्कैटर हुआ हुआ है, ठीक है। ये एक तरह से मेरा स्टोर रूम है और ये मेरा स्टूडियो भी है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को अपना स्टूडियो भी दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, मगर प्लीज आंखें बंद कर लीजिएगा, इस साइड को मत देखिएगा, बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये जो स्कैटर ब्रश है क्या होता है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना ले, कोई एक आर्टवर्क बना ले और उसको स्क्रीन पे फैलाना चाह रहे हैं बहुत सारा, ठीक है। सो उसके लिए होता है, लेकिन ये अभी सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वो अभी आर्टवर्क नहीं बताया इसको कि किस चीज को स्कैटर ब्रश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूं। लेट्स ट्राई वन थिंग कि मैं एक स्टार बना रहा हूं, ठीक है। ये रहा मेरा स्टार टूल और मैं इसको सिंपली ब्लैक कलर का स्टार बना रहा हूं। क्यों ब्लैक कलर बना रहा हूँ वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सी दिस, ये मेरा स्टार है छोटा सा, ठीक है जी। और इसको मैंने बस सेलेक्ट रखा हुआ है और मैं यहां पर आके न्यू कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने न्यू किया, अब देखें ये दोनों जो पहले डिसेबल्ड है, स्कैटर एंड आर्ट ब्रश, दोनों इनेबल हो गए। मैं सिंपली इसको स्कैटर ब्रश पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, जस्ट थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूं। मैं पहले थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं कि स्कैटर ब्रश कैसा है। ये रहा आपका स्कैटर ब्रश और अगर मैं ब्रश से यूज करूं तो कुछ यूं आ रहा है रिजल्ट, राइट। अब ऑब्वियसली अच्छा है अगर आप इसको यूं यूज करना चाह रहे हैं। देखें इसमें एक सबसे मजेदार सी बात यह है कि आप किसी बात पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं अगर एक सर्कल बनाता हूं और उस पे ये क्लिक कर देता हूं तो आपके पास स्टार्स आ जाएंगे। लेकिन गौर से देखें कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, देख रहे हैं कुछ ओवरलैप हो रहा है। और एक और चीज के मेरे स्टार्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जिस एंगल पे भी जा रहे हैं वो एक ही एंगल पे बस यूं घूम रहे हैं, मतलब साथ साथ यूं घूमते हुए नहीं, मतलब पता नहीं एंगल चेंज नहीं हो रहा उनका, एंगल सेम है और साथ में रोटेट हुए हैं। बहरहाल ये वजह यह है कि ये वाला जो आपका स्कैटर ब्रश है ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इस पर्पस के लिए दूसरा ब्रश है, वो हम बाद में थोड़ी देर में देखते हैं और आज ही देखेंगे, सही है। सो अब इस स्कैटर ब्रश का करना क्या है, देखिए मैं दोबारा से एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। और मुझे अब इसको एडिट करना है। वो जो एक शुरू में हमने जैसे स्कैटर ब्रश न्यू किया था, एक पैनल आया था वो हम देखेंगे। यहां पर आके मैं देखें यहां पर इसको डबल क्लिक कर रहा हूं तो आपके पास वही पैनल दोबारा आ जाएगा। अब आ जाएं इसकी सेटिंग्स देखने के लिए। देखिए मैंने एक स्ट्रोक लगा के रखा है ताकि मुझे रिजल्ट दिखता रहे। यहां से आप प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि आप जो भी चीज चेंज करें वो आपको वहां पर दिखे, ठीक है। सो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइज, स्पेसिंग, स्कैटर एंड रोटेशन। अगर मैं साइज कम करता हूं, देखिएगा सारे स्टार्स का साइज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं स्पेसिंग कम कर रहा हूं तो सब एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, अगर बढ़ा रहा हूं तो बहुत दूर जा रहे हैं। सी दिस, आप ये भी कर सकते हैं कि साइज इसका बहुत छोटा कर लें और स्पेसिंग इस तरह से कम कर लें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, दिस इज समथिंग गुड, ये यूज किया जा सकता है, राइट। नाउ नीचे आ जाए तो स्कैटर। अच्छा, स्कैटर कुछ थोड़ी अजीब सी चीज आपको लगेगी कि अगर जैसे मैं लेफ्ट साइड की तरफ ला रहा हूं तो ये आपके पाथ के लेफ्ट या राइट कहीं इधर उधर मूव हो जाता है, एंड अगर मैं राइट साइड की तरफ लेके जा रहा हूं तो दूसरी जानेब चला जाता है, ठीक है। ये इतना मजा इसमें नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, बहुत मजेदार सी चीज होने वाली है। रोटेशन, अगर मैं रोटेशन देखें, अगर और से देखें, मैं इसका साइज अगेन थोड़ा सा स्पेसिंग नॉर्मल कर रहा हूँ और साइज बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको रोटेशन नजर आए। सी दिस, ये आपकी स्टार्स की रोटेशन हो रही है, ठीक है। नाउ ट्रस्ट मी, अगर मैं इनको इस तरह से यूज कर रहा हूँ तो बहुत बोरिंग से हैं, लेकिन देखें यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज हैं जो कि इस वक्त डिसेबल्ड हैं। क्यों डिसेबल्ड हैं? क्योंकि अभी हमने यहाँ से कुछ इनेबल नहीं किया है। अगर आप इन सब के आगे देखें तो एक चीज लिखी हुई है, फिक्स्ड 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 फिक्स्ड, सही है, क्योंकि सारी वैल्यूज फिक्स्ड हैं। जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वही वैल्यू सेट हो रही है। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे आता हूँ तो देखें हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है रैंडम, और नीचे कुछ बहुत सारी वैल्यूज फिर डिसेबल्ड हैं जो कि एक्चुअली आपके काम की अभी इस वक्त नहीं है। इफ यू हैव वैकॉम टैबलेट या कोई भी आपका ग्राफिक टैबलेट है जिसमें प्रेशर सेंसिटिविटी होती है, अगर वो है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं स्टाइलस व्हील के लिए। बट ये समझ लें कि अभी के लिए आप माउस अगर यूज़ कर रहे हैं तो रैंडम पे जाएं, ज़रूर जाएं, और इन सब की वैल्यूज को मैं रैंडम पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छा, रैंडम किसे कहते हैं? रैंडम को रैंडम क्या बोलते हैं उर्दू में, यार मुझे नहीं पता। रैंडम दो वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि रैंडम वैल्यूज 1 to 10 अगर है तो कोई भी आप रैंडमली नंबर उठा सकते हैं, रैंडम 2
वही रैंडम, आई डोंट नो यार क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में देख लेना इसको, रैंडम को उर्दू में या हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट? और मुझे तू नीचे बताइएगा कमेंट्स में कि यार रैंडम को उर्दू में या हिंदी में क्या बोलते हैं, और प्लीज हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती तो आप रोमन उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, सो अब क्या होता है कि यहाँ पर दो वैल्यूज अब हमारे पास आ गई। सो देखिए, साइज में आपके सामने रैंडम है, मैं इसका साइज यहां से कम कर रहा हूं, मतलब मिनिमम साइज ये है, मैक्सिमम साइज 100% है। मैं इसको ज्यादा अगर बड़ा करूंगा तो बहुत बड़े बड़े साउंड लगेंगे, ये मैं नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इसको 100% पर ही रख रहा हूँ। सो मिनिमम साइज हमारा ये है। सो कुछ स्टार्स इतने 20% साइज पे आएंगे और कुछ स्टार्स इसके 100%, और एक्चुअली कुछ ये दो वैल्यूज ही होंगी, इन दोनों वैल्यूज के बीच में रैंडमली कुछ साइजेस होंगे, ठीक है? सिमिलरली स्पेसिंग, कुछ की स्पेसेस कम होंगी, कुछ एक दूसरे के करीब होंगे, और कुछ की स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है? देन या नीचे आ जाएं तो आपके पास स्कैटर है कुछ। देखें, जब मैंने एक वैल्यू थी तो मैं जब रैंडम की, सॉरी, स्कैटर की वैल्यू को चेंज कर रहा था तो क्या हो रहा था, कुछ लाइन के या तो उस तरफ चले जाते थे स्टार्स या लाइन के इस तरफ आ जाते थे। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कम कर दूँ और यहाँ से इसको बढ़ा दूँ तो आपके स्टार्स रैंडमली फैलना शुरू हो जाएंगे, एंड एक वक्त ये आएगा कि आप ये चीज़ नहीं देख पाएंगे कि आपने जो पाथ बनाई थी वो कहाँ गई है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सही है, नीचे आ जाए रोटेशन। अब देखिए, इस वक्त सारे स्टार्स बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं तो हम इनको भी रैंडमली रोटेट कर लेते हैं, ठीक है? सो देखें, अब आपके डिफरेंट सी सारी रोटेशन हो रही है, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं। सही है, ये आपके ऊपर है। वैसे स्टार है शेप तो मैं थोड़ी सी वैल्यू कम कम ही रखता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस बेहतर लगता है इसमें, ठीक है? नाउ नीचे एक और चीज़ है, कलराइजेशन मेथड। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को समझाता हूँ अभी क्या करना है इसका कलराइजेशन मेथड का, बस इसको ओके कर दें, राइट? एंड जैसे ही आप ओके करेंगे, देखें हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रोक लगाए हुए थे और स्ट्रोक जो हमें प्रीव्यू दिखा रहा था ये उसके बारे में पूछ रहा है कि जो आप ऑलरेडी स्ट्रोक लगा चुके हैं क्या उस पर जो अभी आपने चेंजेस किए वो अप्लाई कर दें या छोड़ दें। अगर मैं लीव स्ट्रोक कर दूंगा तो जो मैंने पहले बनाए थे वो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन जो अब नए बनाऊंगा स्ट्रोक इसी ब्रश को यूज़ करते हुए उसमें ये चेंजेस आएंगे, बट मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अप्लाई कर दें, जो मैंने अभी चेंजेस किए वो अप्लाई कर दें इस वाले स्ट्रोक पे। ठीक, अब फायदा क्या है इसका? फायदा ये है कि अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट पे कुछ बहुत सारे स्टार्स बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली ये ब्रश लेकर के इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बना दूंगा, राइट? एक लंबी सी लाइन, एंड ये देखें आप क्या है आपके पास। ओए, मैंने बहुत ज्यादा बना दिए, थोड़ा हैवी हो गया था, बट कोई बात नहीं। सी रिजल्ट देखें यार, आप कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर आप खुद सोचेंगे, अगर आप मैनुअली बनाने बैठते ये इतने सारे सितारे तो बहुत टाइम लग जाता है यार, बहुत देर लग जाती है, और इस तरह से रैंडम नहीं आ पाते। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अब ये जो बाहर निकले हैं इसका क्या करें, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को पिछली एक दो क्लास पहले मेरी मास्किंग वाली क्लास आप लोगों ने यकीनन देखी होगी, उसमें मैंने ये बताया था कि आप सिंपली किसी भी चीज़ को यूं सेलेक्ट करके, देखें मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, और इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, मेक क्लिपिंग मास्क, एंड डन, आपका ये आपके पेज के ऊपर आ गया, ठीक है? बट खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, मैंने कहा था कलराइजेशन मेथड। ऑलराइट, कलराइजेशन मेथड से पहले एक और चीज बताऊं, आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि मैंने अपने स्टार्स को ब्लैक बनाया था। क्यों बनाया था, ये है मजेदार सी बात। यहाँ डबल क्लिक करें और इसमें यहां पर आके देखें, कलराइजेशन मेथड में इस वक्त लिखा हुआ है नन। हमारे पास चार ऑप्शन होते हैं, या नन, टेंट्स, टेंट्स एंड शेड्स, एंड ह्यू शिफ्ट। यार ये वर्ड्स थोड़े से मोटे हैं, मैं पहले ये वर्ड समझाऊंगा फिर मैं बताऊंगा ये करते क्या है। टिंट्स कहते हैं किसी भी कलर के लाइटर कलर को। मिसाल के तौर पर एक कलर है रेड या लाल, सही है, अगर उसमें मैं उस कलर को हल्का करने लगूं तो, अच्छा हल्का दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पानी मिला दें अगर वाटर कलर है, नहीं तो आप वाइट कलर मिला दें। सही है, रेड के अंदर मैं व्हाइट मिलाऊंगा तो थोड़ा सा हल्का होता जाएगा और एक वक्त आएगा पिंक हो जाएगा, गुलाबी, राइट? और ज्यादा मैं व्हाइट मिलाता जाऊंगा तो एक वक्त आते आते बिल्कुल व्हाइट हो चुका होगा। याद रखिएगा, ये लाइट की तरफ जा रहे हैं तो ये कहलाते हैं टिंट्स, ठीक है? अगर मैं रेड में व्हाइट की जगह ब्लैक मिलाना शुरू कर दूं, मतलब डार्क करना शुरू कर दूं, सही है, सो जैसे जैसे आप डार्क करते जाएंगे वो मरून की तरफ जाएगा और आते आते होते होते एक वक्त आएगा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, सही है, ये कहलाते हैं शेड्स।
आई होप समझ में आ रहा है सबको, राइट? ओके, सो टेंट्स है, टेंट्स एंड शेड्स है, एंड ह्यू शिफ्ट है, ट्रैफिक। यार मुझे ये नहीं समझ में आता, मोटरसाइकिलों के साथ अगर एग्जॉस्ट लगा हुआ तो उसकी आवाज क्यों बढ़ाते हो भाई? प्लीज, ये मेरा हाथ जोड़ा है, मैं थोड़ा सा सुकून ले आओ इस दुनिया में इतनी आवाजों के साथ। पता नहीं आप लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता, जो बंदा बाइक चला रहा है उसके सर में दर्द नहीं होता यार इतनी आवाज से? और हॉर्न बजाना जरूरी है? वाओ, ऑसम। मैं उमूमन अपने यहाँ पर जब भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ इस तरह की आवाज़ों को मैं एडिट कर देता हूँ। आज मैं थोड़ा सा अजीब मूड में हूँ, मैं चारों सुने आप लोग भी पता चले कि यार कितनी मुश्किलों में कर रहा हूँ ये काम। एनीवेज, सो टेंट्स अगर मैं ये ले लेता हूँ। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आप देखें इस मेथड के साथ यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो आपको कुछ टिप्स दे रहा है। ये क्या टिप्स हैं कि बिलफर्ज आपने ये एक ब्रश बनाया जिसमें येलो है, लाइट येलो है, ब्लैक है, रेड है एंड ग्रे है, सही है? अगर आपने कलर सेलेक्ट किया रेड और आपने टिंट्स अगर सेलेक्ट किया हुआ है मेथड में, तो आपके ब्रश के कलर्स कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है? अगर टिंट्स एंड शेड्स यूज किया है तो इस तरह से आएंगे, अगर ह्यू शिफ्ट किया है तो इस तरह से आएंगे। लेकिन ये देख लें एक मजे की बात, जहां पे ब्लैक है वो कलर एग्जैक्टली ये वाला कहां पर आ रहा है, इस जगह पे, मतलब टिंट्स। सो हम यूज हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप अगर सिंगल कलर का ब्रश बना रहे हैं तो प्लीज 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 इसको 100% ब्लैक बनाएं, और ब्लैक बनाने के बाद उसका जो कलराइजेशन मेथड है वो आप रख देंगे बिल्कुल सही, टिंट्स, ठीक है? सो ओके करेंगे इसको, और मैं यहां पर आके सेलेक्ट कर रहा हूं टिंट्स एंड सिंपली ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक, यस। अब फायदा क्या है? फायदा यह है भाई कि हम अपने स्ट्रोक का कलर चेंज करते हैं। अच्छा याद रखिएगा जो ब्रश है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ब्रश, पेंट ब्रश आपका स्ट्रोक होता है, और यहाँ पे देखें ब्रशेस के कलर स्ट्रोक से चेंज होंगे, फिल से नहीं होंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स से हम इसी को यूज करके कुछ एक छोटी सी चीज आप लोगों को जल्दी जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। टाइम हमारे पास बहुत कम है, और क्योंकि अभी हमें आगे दूसरे भी ब्रश देखने हैं, ठीक है? मैं एक ब्लू कलर लेना चाह रहा था, और ब्लू ये वाला नहीं, बहुत बुरा है, लेट्स से थोड़ा सा डार्क ब्लू, ठीक है? एंड इसका मैं डाल रहा हूँ ग्रेडियंट, ठीक? ओके, सो आसमान में हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी टाइम में आप देख लें आसमान को, ऊपर से डार्क होता है, नीचे आते आते वो थोड़ा लाइट हो रहा है, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट डाल दिया, और ग्रेडियंट को मैं यूं, सॉरी 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 सॉरी, ग्रेडियंट को मैं यूं स्प्रेड कर रहा हूँ, और अब हम अपने आके स्टार्स लगा रहे हैं। ऑफकोर्स काले नहीं होंगे यार, मेक देम वाइट। ठीक है, ओके। अब मास्क जल्दी से, सबको सेलेक्ट किया मैंने, बल्कि सिर्फ इस मास्क को और इन स्टार्स को सेलेक्ट किया मैंने, और इनको मैं क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा यार एक और आइडिया है, जल्दी से मैं करके बता दूं, पिछली से पिछली क्लास जो मास्क वाली है, मैं वही अचानक से मुझे याद आ गई। मैं एक और चीज करना चाह रहा हूँ कि ये स्टार्स ऊपर ब्राइट दिख रहे हैं और नीचे जाते आते गायब हो जाएं, तो यस आप लोगों को बिल्कुल सही याद आया, ओपेसिटी मास्क भी हम यूज कर सकते हैं। एंड यस जल्दी से इसमें मैं ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रेडियंट लगा रहा हूँ, ठीक है? ये और ये, ठीक है जी, ये लग गया। एंड इसका मैंने ग्रेडियंट ऊपर से नीचे कर, नहीं नीचे से ऊपर होगा क्योंकि ऊपर वाले दिख रहे होंगे, नीचे वाले नहीं दिख रहे होंगे, राइट? यस। अब मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है, मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूं कि ये वाला सेलेक्ट ना हो, पीछे वाला जो है ना, इसको मैं लॉक कर देता हूं,
लॉक आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, आप या तो लेयर से कर सकते हैं या कंट्रोल टू प्रेस कर लें, ये लॉक हो जाएगा। ऑलराइट, इसको और मेरे जो स्टार्स हैं उन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एंड ट्रांसपेरेंसी में आके मेक मास्क, यप हो गया। अगर आप चाहें एडिट करना मास्क को तो यहां से आके मजीद एडिट कर सकते हैं, ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज कौन सा, स्कैटर ब्रश। पिछला हमने देखा कैलीग्राफिक, दूसरा हमने देखा स्कैटर ब्रश, नेक्स्ट हमारा है आर्ट ब्रश। सो मैं जल्दी से एक न्यू फाइल ले रहा हूं, न्यू फाइल में मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्ट ब्रश। अच्छा, आर्ट ब्रश को पहले थोड़ा सा समझ लें क्या है। रिमेंबर वो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था एरोज चल रहे थे, वो एक्चुअली आर्ट ब्रश थे, सही है। वैसे यहां पर बाय डिफॉल्ट जो एक दिया हुआ है ये है आर्ट ब्रश, इसको जरा जूम करके देखें। देखें मैं इवन छोटा सा स्ट्रोक लगाऊं या बहुत बड़ा स्ट्रोक लगाऊं, गौर से देखें तो आर्टवर्क वही है, यहाँ पे कम फैला हुआ है, यहाँ पे ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। होता यह है कि आप कोई भी आर्टवर्क बना लें वो कंटिन्यूस स्ट्रेच होता जाएगा, सही है। अब आप जितना उसको स्ट्रेच करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ा सिंपल सा ब्रश बना के दिखा देता हूँ। मैंने एक एलिप्स बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एंड दैट्स इट। बस इसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जिस तरह स्कैटर ब्रश बनाया था आप उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सिंपली इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया। सो ये मुझसे पूछ रहे स्कैटर ब्रश बनाना है, नहीं मैंने कहा जी आर्ट ब्रश बनाना है, इसको ओके कर दें, ये आपका आर्ट ब्रश बन गया। जस्ट थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको फॉरगेट भूल जाएं, सही है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले देख लें आर्ट ब्रश है क्या। देखें अगर मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ और ये वाला ब्रश यूज कर रहा हूँ, सीधे से मैंने थोड़ा सा ये किया वही बना हुआ आ गया, लेकिन मैंने यूं किया स्ट्रेच हो रहा है। अब मजे की बात ये कि यार आप इसको जितना घुमा फिरा के लगाना चाहो लगा सकते हो, एंड बिलीव मी और नॉट, बहुत ज्यादा काम की चीज है यार, क्या चाहिए तुम लोगों को और। ऑलराइट, ये आ गया आपका आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश बस ये याद रखिएगा, आप कोई भी आर्टवर्क रख सकते हैं, आप इवन कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, से मुराद मैं इवन इस तरह की बेतुकी सी हरकत भी कर सकता हूं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर मैं इसका फॉन्ट डिफरेंट रख रहा हूँ, बल्कि नहीं जो मेरा है वही रख रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप इसको एज इट इज ड्रैग करोगे आर्ट ब्रश ओके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि याद रखें कि यहां पर कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन है ब्रशेस में। हाँ एक और चीज, ग्रेडियंट भी आप यूज नहीं कर सकते, ग्रेडियंट अलाउड नहीं है ब्रशेस में। सो मेक श्योर कि ग्रेडियंट ना हो आपके आर्टवर्क में, प्लेन सिंपल सा रखिएगा फ्लैट, ठीक है। सिमिलरली यहां पे जो ये टेक्स्ट है इसको आप अगर कन्वर्ट कर लें आउटलाइन में, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्रिएट आउटलाइन, सिंपली राइट क्लिक करें क्रिएट आउटलाइन कर दें, अब ये आपका ब्रश में आ सकता है। लेकिन प्लीज यार इस तरह के ब्रशेस बनाइएगा नहीं, बहुत बेतुके लगते हैं, मजा नहीं आता। बस इसको मैं अगर ओके कर रहा हूं तो देखें क्या होता है, सी जो एक चीज मैं हमेशा मना करता हूं कि टेक्स्ट को स्ट्रेच ना करें, ये पेट भर के स्ट्रेच कर रहा है। सो अगर मैं इसको खिचड़ी, सो हाँ खिचड़ी बन सकती है इसे, ठीक है, प्लीज मत बनाइएगा इस तरह की खिचड़ी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए था कि आप कोई भी आर्टवर्क को इसमें डाल दें ये स्ट्रेच होता जाएगा, लेकिन बात खत्म यहाँ नहीं होती है, हम थोड़ी सी खूबसूरत सी चीज़ बनाएंगे। जैसा मैंने अभी स्टार्स वाला आप लोगों को बताया था, कुछ और बनाते हैं। देखिए एक दो आर्टवर्क जो एक दो तरह के जो ब्रशेज हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एलिप्स बनाया था लेकिन वो सिर्फ आउटलाइन था, मैं इस बार इसको फिल रख रहा हूँ, ठीक है। और से देखें यहां पर जो कर्व है मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं। रिमेंबर स्केल टूल, हम स्केल टूल से भी इसको कम कर सकते हैं। मैं देखें बिल्कुल पॉइंटेड नहीं करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं इसको यहां से और इसको यहां से, ठीक है। और अब इसको मैं उठा के डाल रहा हूं यहां पे, ड्रैग एंड ड्रॉप करें आर्ट ब्रश ओके। अब समझें ये पैनल क्या कर रहा है। देखें ये पैनल आप जैसे ही आप आर्टवर्क डालते हो आपको बता देता है कि जी डायरेक्शन यहां से यहां पर है, ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट होगा यहां पे एंड होगा, क्यों, क्योंकि अभी तो
इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स लगभग बराबर ही हैं एक दूसरे के, ठीक है। हाँ, समटाइम्स कुछ डिफरेंट आर्ट वर्क, अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि अगर हम कर रहे हो तो उसमें क्या होगा। यहाँ से आप डायरेक्शंस चेंज कर सकते हो कि जी नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। इलस्ट्रेटर थोड़ा स्मार्ट है, आपको खुद चेक कर लेता है कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ आर्ट वर्क तो वो आपको हॉरिजॉन्टल एरोज दे रहा होता है। अगर आपके वर्टिकल आर्ट वर्क रखा होगा यूं तो वो खुद, बल्कि देख लें, मैं करके दिखा देता हूँ कि मैं अगर इसको रोटेट करके रख दूँ और फिर लेकर आऊँ यहाँ पर और आर्ट ब्रश कहता हूँ, तो देखें ये ऑटोमेटिकली आपका अप एंड डाउन एरो कीज एरोज जो है वो आपको बता रहा है। सो ये सिंपली डायरेक्शन है कहाँ से आपका ब्रश स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा। प्लीज इस तरह की हरकत मत कीजिएगा कि आपने आर्ट वर्क वर्टिकल रखा और आप यूँ हॉरिजॉन्टल कर दें, बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। करके देख लीजिएगा, मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। और मैं कलराइजेशन यहाँ पे टिंट्स रख रहा हूँ, ओके कर दें इसको। अब जरा ट्राई करके देखें क्या बनाइए। ये एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ब्रश है जो कि कार्टून्स की इलस्ट्रेशन वगैरह में यूज होता है, बहुत सॉफ्ट से, अगर आपको स्ट्रोक्स चाहिए हो किसी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें डिजाइन आप कर सकते हैं। एंड दिस इज अमेजिंग, बहुत प्यारी चीज है ये, ठीक है। एक और मैं आर्ट ब्रश आप लोगों को बना के दिखाऊंगा क्योंकि अभी तक के हम सिर्फ टिंट्स पे बात कर रहे थे, लेट्स सी टिंट्स एंड शेड्स, और अगर हम कलर्ड आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। मैं जल्दी से एक बॉक्स बनाया, उसकी मैंने कुछ कॉपीज ले ली, ठीक है। और लेट्स ब्रिंग दैट स्वाचेस, मैंने इन सब के कलर्स में कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ इनको मैं थोड़ा सा पतला कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। बड़ा ग्रेडियंट नुमा लग रहा है लेकिन ग्रेडियंट नहीं है, ये सारे सॉलिड कलर्स हैं, ठीक है। और इसको मैंने उठा करके यहाँ डाल दिया, एंड लेट्स सी मैंने रखा आर्ट ब्रश और कलराइजेशन नन, अभी के लिए नन, ठीक है। अभी हम चेंज करके देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो सी दिस, ये आपका बड़ा ही प्यारा सा एक और ब्रश बन गया, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगेन अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ब्रश से बनाएं। सो मैं एक सर्कल बना रहा हूं और इस पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक, जबरदस्त, ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कलराइजेशन मेथड का काम क्या है। यहां पर देखें, अगर मैं इसमें सिर्फ टिंट्स रखता हूं, ओके कर दें, ठीक है, अप्लाई टू स्ट्रोक। इस वक्त देखें यहाँ येलो कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है और ये सिर्फ येलो के टिंट्स बता रहा है। याद है टिंट्स क्या थे? टिंट्स वो थे, बल्कि मैं कलर थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। टिंट्स जो कलर मैंने लिया है, देखें वो यहाँ दिख रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पर अंदर आते आते हैं इसके लाइट कलर्स आ रहे हैं, राइट, डन। अगर मैं टिंट्स एंड शेड्स रखता हूँ, और बल्कि प्रीव्यू देख लेना, टिंट्स एंड शेड्स रखता हूँ तो उसी कलर के यहाँ से देखें ये रहा वो कलर और यहाँ पे शेड आया और आगे यहाँ पर टेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं ह्यू शिफ्ट करता हूँ, आपकी सोच है, सब कुछ अलग हो जाएगा। ह्यू कहते हैं कलर को और वो शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कुछ भी कर सकता है यार, मैं इसका ये डिफाइन नहीं कर सकता कि किस लॉजिक से कर रहा है, मुझे नहीं, इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि किस तरह से कर रहा है, बट हाँ ह्यू शिफ्ट में यार कलर बहुत उल्टे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने कलर सेलेक्ट किया वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद डिफरेंट ह्यूज आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स कीप इट ऑन टेंट्स एंड शेड्स, ओके कर दें, अप्लाई टू स्ट्रोक। और ये जरूरी नहीं है कि आप कलराइजेशन मेथड रखें, आप चाहें कि भाई मुझे यही कलर चाहिए तो यार ठीक है, नन कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आपके यही कलर्स रहेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आर्ट ब्रश अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्ट ब्रश में मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना कोई एरो बनाना चाह रहा हूं, मेरा अपना डिजाइन, ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे एरोज बने हुए रखे हुए, लेकिन मैं अपना कोई डिजाइन चाह रहा हूँ और जल्दी से मैं बना के दिखाना चाह रहा हूँ भी आप लोगों को, तो मैं लेट्स से मैंने ये ब्लैक कलर लिया इसको और यहाँ पे मैं एक एरो हेड बनाना चाह रहा हूँ। इस एरो हेड को बनाने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है जी, और इसको रोटेट करके इसके साथ रख दें, ठीक, ओके। नेक्स्ट मैं ये कर रहा हूँ कि अब जाहिर है हम कुछ कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट ही करना होगा हमने, वरना ये सादे एरोस तो वहाँ दिए हुए हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, चलें इसी को रखते हैं। और सही लग रहा सही है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जी आर्ट ब्रश ओके, और ये इसने ओके कर दिया मैंने। एंड सी दिस, एक अजीब सी चीज, लेकिन यहां तक तो सही है राइट, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा घुमाता हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये देखें एरो का हेड जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि तो मैंने इसको बताया नहीं कि इसको स्ट्रेच नहीं करना है। क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें और यहां आ जाए। अब ये वाली सेटिंग्स को जरा देख लें, स्केल प्रोपोर्शनली मत कीजिएगा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा। सही है, सब कुछ हर चीज को स्ट्रेच करता जाएगा, लाइक प्रोपोर्शनली से मुराद ये होगा कि जिस तरह उसकी लेंथ बढ़ेगी उसी तरह उसकी चौड़ाई या विड्थ जो है वो भी बढ़ती जाएगी। सो ये मत करें, ये काम का नहीं है अभी। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ये होता है स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, यानी कि आपके उतना स्ट्रेच करेगा जितना आपका स्ट्रोक है, ठीक है। थर्ड आपके पास आ रहा है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। जैसे ही आप ये लेते हैं यहाँ देखें आपके पास कुछ गाइड्स दिख रही हैं, और मैं कहता हूँ कि जी इसको आप यहाँ पर ले आओ, इसका मतलब ये होगा कि ये स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है, और बाकी चीजें आपकी स्ट्रेच हो रही होंगी बहुत बारीकी के साथ, जबरदस्त। सी दिस, ये आपका हो गया छोटा। अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये भी स्ट्रेच ना हो, वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि लाएं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इसको ओके कर दें। अब इन दो गाइड्स के बीच में जो कुछ है सिर्फ वो खिंच रहा होगा या वो स्ट्रेच हो रहा होगा, ठीक है। अब देखें आप चाहे जितना लंबा स्ट्रोक बना लें अपना, आपके एरो हेड खराब नहीं होंगे। लशना गुड, ओके। सो ये तो था हमारा आर्ट ब्रश। नेक्स्ट एक जो ब्रश है ब्रिस्टल ब्रश, यार मैं इतना यूज नहीं करता इसको, लेकिन अगर आपको कहीं काम आए तो यूज कर लीजिएगा। है, बहुत सारे आर्टिस्ट इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे नहीं मजा आ रहा इसमें, मुझे नहीं समझ में आ रहा, शायद मैं इससे कुछ अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ। आई होप आप लोग कुछ अच्छा बना पाएंगे तो मुझे जरूर दिखाइएगा कि क्या बनाया। और यूट्यूब पे वैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं इसके, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, प्लीज उसको देख लीजिएगा। मेरा इसमें इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है ना। यहाँ पे आपके पास जो नेचुरल ब्रशेज होते हैं उस टाइप के ब्रशेज दिए हुए हैं, आपको जिस तरह का बनाना है साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ब्रिस्टल लेंथ को चेंज। अच्छा, ब्रिस्टल क्या होता है, जो ब्रश के बाल होते हैं उनको ब्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। और ये आप लेंथ कितनी करना चाह रहे हैं, देखें अगर ब्रश के ब्रिस्टल्स की लेंथ ज्यादा होगी तो आपके स्ट्रोक में भी फर्क आता है, ठीक है। एंड ब्रिस्टल डेंसिटी, कितने ज्यादा ब्रिस्टल्स हैं, ब्रिस्टल की थिकनेस, ब्रिस्टल खुद यानी बाल जो है वो कितना मोटा है, एंड पेंट की ओपेसिटी कितनी रखनी है, ठीक है। एंड देन स्टिफ है या सॉफ्ट है, ठीक है। नाउ ओके कर दें इसको, ये आपका एक ब्रिस्टल ब्रश बन गया। और अगर आप इसको यूज करके देखें तो ये है आपका ब्रश। बहुत सारे लोग इससे बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट्स में हेयर बना सकते हैं, एंड वैसे ये लाइब्रेरी में भी बहुत सारे रखे हैं, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है यार, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप यूज करके देख लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश पैटर्न ब्रश, और ये वजह है कि मैंने पिछली क्लास स्वाचेस की ली थी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कनेक्टेड है, कुछ कनेक्शन है, बड़ा मजे का है, अरे देखते हैं क्या है। ओके, सो हमारा जो पैटर्न ब्रश है बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कुछ बहुत मजे मजे की चीजें बनती हैं। देखिए मैं बहुत सादी सी चीज बना रहा हूं, मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, और इन दोनों को मैं अलाइन भी कर लेता हूं, ठीक है। बल्कि एक काम करें ना, दो तीन और बॉक्सेस बना लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है जी। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और सिंपल सा काम, इसको ड्रैग करें और यहां डाल दें, और आप कहते हैं जी पैटर्न ब्रश, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ये अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझाता हूँ। कुछ चीज़ें चेंज हैं सीसी 2017 में और पिछले वर्जन्स में,
आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता सीसी 2015 में भी है कि नहीं, बट खैर थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं इसको, बस अभी आप ओके कर लें। हुआ ये है कि जिस तरह से हमारा स्कैटर ब्रश था वो स्टार्स को साथ साथ लेके चल रहा था लेकिन बिल्कुल सीधे थे, ये भी पैटर्न के तौर पे यूज कर रहा है ब्रश पे, लेकिन आपके एंगल के साथ टर्न कर रहा है। और से देखें, आपको ये खुद डिस्टॉर्ट करके दे रहा है और बहुत ही मजेदार सा रिजल्ट आ रहा होता है। देखें, बनाई हमने बड़ी सादा सी चीज थी ये, और रिजल्ट देखें आप। अगर मैं इसको किसी सर्कल पे अप्लाई कर दूं, बताओ यार, हो सकता था ये इतना आसान होगा ना? ये तो जाहिर है मैंने बहुत सिंपल सी चीज बनाई थी तो इसने यूं कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या हम इसमें और कुछ मजेदार सा बना सकते हैं? यार बहुत मजेदार सा बना सकते हैं। हाँ, एक और मैं बता दूं, पैटर्न ब्रश, याद रखिएगा पैटर्न ब्रश को हम पैटर्न क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल ये उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह स्वाचेज में पैटर्न होते थे और वो टाइल्स के तौर पर लगते थे। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि आप जो भी चीज बना रहे हो वो पैटर्न के तौर पर यूज कर रहा है और सीमलेसली उनको जोड़ रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि अगर कोई टर्न आता है, कर्व आता है, तो आपके ऑब्जेक्ट को खुद ये कर्व कर देता है, ठीक है। सो वही अगर मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने स्टार वाला बनाया था, मैं जल्दी से आपको ये दिखा दूं कि स्टार्स के साथ ये क्या कर रहा है। मैंने स्टार लिया और मैंने कहा जी पैटर्न ब्रश ओके, यहां से ओके करें, इसको हटा दें, एंड लेट्स सी मैं सर्कल पे अप्लाई करके दिखाता हूं। सी, आपके सारे स्टार्स रोटेट हुए हुए हैं और बहुत ही सफाई के साथ अपना थोड़ा सा कर्व भी चेंज हुआ है इसका। याद रखें जो मैंने स्टार बनाया था वो ऐसा कतई तौर पर नहीं था, देख लें यहां पर, और मैच करके देख लें दोनों में फर्क है। ये देखें ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कर्व हुआ हुआ है, इसका इतना ज्यादा कर्व नहीं है। खैर ये इतना बारीकी से आपको शायद ना दिख रहा हो, बट यस, जिस तरह से ये वाला था ब्रश, आपको अंदाजा तो हो गया कि ये चौड़ा है, ये पतला है, तो ये कर्व बहुत अच्छा सा दे रहा होता है, ठीक है। ओके, एक और मजेदार सा ब्रश इसमें मैं बना के दिखा रहा हूँ, खैर एक और नहीं दो और बनाऊंगा, पहले तो ये देख लें मैं एक बहुत सिंपल सा। अच्छा, एक और चीज़, अब इसमें याद रखिएगा कि इसमें आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल, जो चीज़ जुड़ेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जुड़ेगी, ठीक है। अगर मैं ये करूं कि एक छोटी सी ब्रांच बना रहा हूं मैं, ठीक है, और जिसमें लीव्स लगे हुए होंगे, लीव्स बनाने के लिए मैं अमूमन ये लेता हूँ, और ये आप लोगों को पता है कि यहाँ से ये कर दिया मैंने कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल से या एंकर पॉइंट टूल से, और मैंने इसको थोड़ा सा यूं कर दिया, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा रोटेट, यहाँ रखा और इसी की एक कॉपी मैंने यहाँ ले ली नीचे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट फ्लिप हॉरिजॉन्टल, आई मीन हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर, ठीक है। नाउ इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और एक कॉपी यहाँ ले ली और इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि प्लीज़ अपना 100% साइज ज़रूर देख लिया करें कि सही है कि नहीं। दूसरी बात, अब देखिए मैंने जैसे कहा कि ये एक पैटर्न है और पैटर्न में याद रखिएगा कि ये साइड से जुड़ता है, ठीक है। स्पेसिंग वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये छोटी हो जाए, ये आगे निकले हो। सी दिस, अगर मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यू कैन सी द गैप इन बिटवीन, ठीक है, ये यहाँ पर आके दूसरा लगा देगा, सही। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी ये यूं जुड़े, सही है, तो आपको ये देखें ये लाइन इसके ओवरलैप हो रही है, सही है। मेन मेक श्योर कि आपकी जो ये बीच वाला पार्ट जिसको जुड़ना है ये सबसे आगे हो, और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे सी दिस सॉरी लाइक दिस, तो ये यूं दिख रहा होगा। अब देखिए मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा आ रहा है, तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी कर दें, सही। बस इस चीज का ख्याल रखें कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं आपका बाउंडिंग बॉक्स देखें कि ये इसके साथ होना चाहिए ना कि इसके साथ, तो अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको सिंपली आप ये करो कि इसको आप सेलेक्ट करके ड्रैग करो और यहाँ पे ड्रॉप कर दो अपना, और कौन सा सेलेक्ट करेंगे, पैटर्न ब्रश, यस ओके करें, एंड यहां से भी ओके करें, एंड सी दिस क्या बनाइए आपकी बहुत मजेदार सी वाइन या बेल। और आप हाँ इसमें ये कर सकते हैं कि आप अपना कलराइजेशन बता दें, टिंट्स ओके करें, इसको अप्लाई करें, और अब आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें लाइक दिस एंड दिस,
मजेदार है, राइट? एंड यस, पैटर्न ब्रशेस हमेशा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं अगर हम इसको सर्कल्स पर अप्लाई करें। सी दिस, मैं कुछ सर्कल्स की कॉपीज ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसको मैंने बड़ा किया। याद रखें, कॉपी पेस्ट मैंने कैसे किया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, ठीक है? और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इन सबको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रोक है तो आप इसका स्ट्रोक का वेट कम करके देखें, देखें क्या होता है। सो इस वक्त 1 पॉइंट है, मैं इसका 0.5 कर देता हूँ, ठीक है? इसका मैं 0.75 कर देता हूँ, और ये 1 रहने देते हैं। सो आप अब तक आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि यार इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी और आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मैं 2-3 और आप लोगों को चीजें बना के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों की मैं जान छोड़ दूंगा। आप लोगों ने बोला है ना लंबी क्लास, तो देखो मैं लंबी क्लास ले रहा हूँ यार, ठीक है? या आप मत बोलना कि यार लंबी क्लास, मैं वरना जज्बाती हो जाता हूँ। ओके, सो मैं ये कर रहा हूँ कि एक छोटा सा मैंने स्क्वायर बनाया, इसको मैंने रोटेट किया है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स टेक अ कॉपी ऑफ दिस, इसको थोड़ा सा छोटा करें, इसको ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है? एक कॉपी और। नाउ इन तीनों को मैं अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये करेंगे, इसको और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक। स्ट्रोक्स हटा दें, स्ट्रोक्स की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें स्ट्रोक लगाओ, ठीक है? अब क्या करना है, सिंपली मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और आई थिंक मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा सा और छोटा करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इसकी एक मजेदार सी बात यह है कि मैं इसके दो ब्रशेस आपको बना के दिखा रहा हूं। मैंने यहां से न्यू किया और मैंने कहा जी आर्ट ब्रश, आर्ट ब्रश, मुझे पता है टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि आप इस तरह से भी अपने आर्ट ब्रश बना सकते हैं। सो सी दिस, ठीक है जी? सो आप बस यू नीड टू थिंक क्रिएटिवली, आप बहुत कुछ मजेदार सा बना सकते हैं, राइट? ये तो था आर्ट ब्रश, सही है? इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको अब मैं दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ जी पैटर्न ब्रश, ओके कर दें। और अब आपकी सोच है क्या बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊँ तो ओके, लेकिन अगर आप इसको सर्कल पे लगा दें, चेक करें यार, बताओ अगर ये मैं आपको ब्रशेस बनाने से पहले ये दे तो आप बना सकते थे? सोचते रह जाते, पेन टू से ट्रेस कर रहे होते। खैर थिंक क्रिएटिवली, बहुत मजेदार सी चीजें बनती है। इसके साथ एक और चीज कर रहा हूं, मैं इसी वाले डिजाइन को उल्टा कर रहा हूं, इस बार रोटेट करके मैं यहां ला रहा हूं और एक और पैटर्न ब्रश बना रहा हूं, ठीक है? ओके कर दें। एंड इसके बीच में मैं एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं, और इसमें मैं ये वाला ब्रश दे रहा हूं। आओ जी, आप चाहें तो इसका स्ट्रोक साइज कम कर लें, ठीक है जी? सो यस, आई होप ये अभी तक के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एंड मैं इसका एक और कॉपी ले रहा हूँ यार, इसको थोड़ा सा बड़ा करें बाहर की तरफ, और बोलें। एंड यस, इनमें भी आप वही जो है अपनी कलराइजेशन मेथड्स वगैरह बता दें, टिंट्स रख लें, अगर आपने सिर्फ ब्लैक रखा हुआ है, अगर आपने शेड्स वाला दिया हुआ है तो टिंट्स एंड शेड्स, या टिंट्स जो भी टिंट्स एंड शेड्स ह्यू शिफ्ट मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट यस आप लोग इसमें कलर्स वगैरह देख करके देख सकते हैं, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक के तो पसंद आया होगा आप लोगों को। एक और ब्रश यार, एक और ब्रश आप लोगों को बना के दिखाऊंगा यार, ये मेरा फेवरेट ब्रश है, एंड आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे अच्छा लगता है। अब इस चीज में थोड़ा सा आप लोगों को बारीकी से काम करना है, और वो ये कि देखिए मैंने एक सिंपल सा एक ओवल बनाया, और यहाँ से एक डायरेक्ट सिलेक्शन से एक ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दें, ये पाथ ओपन हो गई है, ठीक है जी? मुझे इसको ओपन ही रखना है। मैंने इसी हाफ सर्कल का या हाफ ओवल का एक कॉपी ली और उसको थोड़ा सा छोटा किया। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट करके आप कर देंगे सेंटर अलाइन एंड बॉटम अलाइन। याद रखिएगा, बॉटम अलाइन यानी ये दो पॉइंट्स एक जगह पर आने चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखें, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ
ऊपर से। सो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा कम है, चाहे तो आप इसको और एक्सटेंड कर दें, मैं ऑल्ट दबा के बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखें ये पोर्शन बड़ा है, ये पोर्शन थोड़ा सा कम है, मैं कोई खास वैल्यूज वगैरह नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के आप इसका फिल ऑफ कर दें, फिल नन कर दें, क्योंकि हमें इस वक्त सिर्फ स्ट्रोक से काम लेना है, ठीक है। 100% साइज देखें इसका, ये है एंड दैट इज टोटली फाइन। मैं इसका थोड़ा सा पॉइंट साइज बड़ा कर रहा हूँ, 2 points और मे बी 3, या गुड ओके। इसको अब आप शिफ्ट के साथ रोटेट कीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ग्रुप कर लें ताकि ये हिले नहीं। इसकी जो सेटिंग्स हैं, प्लीज 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 मेक श्योर कि आप बहुत संभाल के इसको मूव कीजिएगा, बहुत संभाल के चीजों को शिफ्ट के साथ हमेशा मूव कीजिएगा, ठीक है। मैंने कॉपी ली है इसकी और इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ वर्टिकल, ठीक है। और अब आप इसको उठा करके ले आए यहां पे। आई होप थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा मैं क्या बना रहा हूं। यस, मैं चेन बना रहा हूं, ठीक है, और चेन वाला ब्रश। सो अब देखें, अब बहुत सारी लाइंस ओवरलैप हो रही हैं और यहां पर आएगा हमारा काम कौन सा, शेप बिल्डर टूल। मैं ऑल्ट दबा के ये लाइन डिलीट कर रहा हूं और ये लाइन डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखें ये वाला पार्ट ऊपर से जा रहा है तो यहां से नीचे से जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर से जाने वाला है, तो मैंने ये वाला लाइन और ये वाली लाइन को उड़ा दिया और ये बन गया हमारा एक जबरदस्त सा चेन लिंक। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर लें, बट प्लीज शिफ्ट वगैरह जरूर दबाइएगा, इधर उधर उल्टा सीधा मत कीजिएगा, ठीक है। इस पूरे को सेलेक्ट करें और उठा के डाल दें यहाँ पे पैटर्न्स, पैटर्न ब्रश, और इसको ओके करें एंड दैट्स इट। अब देखें क्या बना है, चेन। ऑब्वियसली ओवरलैप मत कीजिएगा, बहुत बुरी लगेगी। हाँ, अगर मैं इसको एक सर्कल पर अप्लाई कर दूं, गुड राइट। अब थोड़ा सा टेक्निकल मसला, देखें इलस्ट्रेटर सीसी 2017 जो मेरे पास है, ये एक अच्छा काम ये करता है कि आपको ऑटोमेटिकली इसके कॉर्नर्स भी बना के दे देता है, जैसे ये बने हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर CS6 है, आई एम सॉरी, उसमें कॉर्नर बनेगा नहीं, लेकिन आपको कॉर्नर खुद से बनाना होगा। जो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जो मैंने पैटर्न स्वाचेस से इसको मिक्स मर्ज किया था कि जी पैटर्न स्वाचेस से इसका थोड़ा सा एक ताल्लुक है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल सा काम, आप यहां पर अपने कॉर्नर्स खुद डिफाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला ब्रश था हमारा, अगर मैं इसको, बल्कि ये वाला ब्रश था, मैं इसको अगर बनाऊं और ये लगाऊं, तो देखें आपके ये कॉर्नर्स खुद बना के दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं चाहिए मुझे कॉर्नर, इसके मैं कॉर्नर्स खुद डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो यस आप ये कर सकते हैं। और कहां से कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, देखें आपके पास ये चीज खुद बता रहा है कि ये कॉर्नर है, और कॉर्नर के आपके पास मजीद ऑप्शंस सीसी 2017 में आ रहे होते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि आप खुद बना के दे दो, ये देखें इसने खुद बना के दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद बना के देना चाह रहे हो तो आप दे सकते हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉर्नर पे इसके ये आए एक ब्लैक बॉक्स और उसके अंदर एक और बॉक्स, मैं अलाइन कर रहा हूं, ये वाला जो बॉक्स है ये होगा ग्रे कलर, और इसके बीच में सपोज, आई नो बहुत बुरा लगने वाला है लेकिन चला लें थोड़ी देर, ये एक मल्टी पॉइंट्स वाला स्टार जो कि ब्लैक कलर का होगा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके कॉर्नर में आए। बट यार ये सोचें कि ये कॉर्नर में कैसे आएगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसको कहाँ रखें। एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं, हम इसको उठा के ड्रैग करेंगे स्वाचेज में, ब्रशेज में नहीं, स्वाचेज में, ठीक है। आप चाहें तो इसको ये जरूरी कर लेंगे, इसको डबल क्लिक करें और उसका नाम रख लें ब्लैक बॉक्स, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे एडिट करने तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शंस क्या मिल रहे होंगे देखें। सो मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहां पर आए, अब ये आपको वो सारी चीजें दिख रही हैं जो आपके पास ऑलरेडी, तो ये खुद सजेशन दे रहा है, प्लस ये रहा वो ब्लैक बॉक्स जो आपने बनाया था। ये है बाहर का कॉर्नर, और यहां पर जो देख रहे हैं अंदर का कॉर्नर खाली है। यहां पर आप बता सकते हैं कि जी अंदर के कॉर्नर में भी यही ब्लैक बॉक्स मुझे चाहिए, ठीक है, ओके कर दें
और ये बन गया आपका ब्रश जिसमें कॉर्नर्स आपके खुद के डिफाइन हुए हैं। अब याद रखिएगा कि ये सॉरी इसमें फिल मैं बंद कर रहा हूँ, सही है, ये याद रखिएगा कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये सिर्फ जब आएंगे जब कॉर्नर आपके आर्टवर्क में होगा। सो मिसाल के तौर पर अगर मैं सर्कल में अप्लाई कर रहा हूँ सोचूं कि यहाँ कोई कॉर्नर नहीं है, नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता अगर मैं कॉर्नर ऐड कर दूँ, ये तो याद होगा आप लोगों को, सो अगर आप कॉर्नर ऐड करेंगे तो ये खुद ऐड कर देगा और वो भी मज़े से जिस तरह से उसको मोड़ना तोड़ना जिस तरह से उसको बेंड करना है वो खुद करके आपको दे देगा। सो अगर मैं यहाँ से कॉर्नर हटा दूँ तो ये भी हटा देगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें अगर एक और छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ कि आपके पास दो और ऑप्शंस हैं यहाँ पर आने वाले कि जी अच्छा इनको गौर से देखें, इंडिकेशन आपको दिख रही है, एक लाइन चलती हुई जा रही है, मैं ज़रा जूम करके दिखा दूं, ये एक लाइन चलती हुई जा रही है और इसके अंदर आपके पास कॉर्नर के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप आगे देखें तो ये एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, फिर आपके पास ये कॉर्नर के ऊपर बॉक्स बना हुआ जो अंदर वाला है, फिर ये आपका स्टार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, एंड यहाँ लास्ट में एक आपके पास दिया हुआ है जो एंड ऑफ लाइन पर आएगा, ठीक है। सो अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपकी इस पर कोई भी चीज़ पर स्टार्टिंग में या एंड पॉइंट में कोई चीज़ बनी हुई आ जाए, मिसाल के तौर पर जैसे ये हमने लीव्स वाला बनाया था लाइक दिस, मैं चाह रहा हूँ इसके स्टार्ट एंड में कोई फ्लावर टाइप की चीज़ बनी हुई आ जाए। मैं बहुत गंदा सा फ्लावर बना के दिखा रहा हूँ जल्दी से आप लोगों को, ये मैंने कॉपी ली, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट और सो मैं ये चाह रहा हूँ ये बस तीन पत्तियाँ हैं जो कि इसके आखिर में आनी चाहिए, मैंने इसको यूं कर लिया, राइट, यूं करके आप इसको डाल दें अपने स्वाचेज में। अब देखें मैं इसको जाके एडिट कर रहा हूँ और मैंने कहा जी एंड ऑफ लाइन में ये चीज़ आ जाए, देख रहे हैं ये रिजल्ट, ओके करें, अप्लाई टू स्ट्रोक, ये देखें अब आपके एंड में हमेशा ये चीज़ आ रही होगी। आई होप कि आप लोगों को इतनी बुरी नहीं लग रही होगी, आई नो मैंने बहुत बुरा सा बनाया, लेकिन सी इट्स समथिंग गुड यार, आपके हमेशा एंड पर ये चीज़ आ रही होगी। सो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं अब बस बहुत हो गया आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यस आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर बताया करें कि यार मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ, किस तरह से आप लोगों को और अच्छा पढ़ा सकता हूँ। सो यस देखते रहें, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक नहीं कीजिएगा यार, छोड़ना यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं रिगार्डिंग के जी आप मोबाइल ऐप डिज़ाइन बताएं, वेब डिज़ाइन बताएं, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं खुद पर्सनली मैं जो अपना फ्रीलांस कर रहा होता हूँ या मैं जो जॉब कर रहा था अभी रिसेंटली मैंने छोड़ी है, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में डिज़ाइनर के तौर पे था और मैं अपना टीम को लीड कर रहा था और ज़्यादातर हमारा काम मोबाइल ऐप्स का था। तो यस मैंने कुछ मोबाइल ऐप्स बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन की हैं और आप लोगों को भी बहुत जल्द सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इलस्ट्रेटर ख़त्म करना है, उसके बाद फोटोशॉप शुरू करना है, फोटोशॉप के साथ साथ मैं इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल शुरू कर दूंगा। याद रखें ये इस वक्त जो चीज़ चल रही है दिस इज़ ट्रेनिंग, ये ट्यूटोरियल नहीं है। बहुत सारे लोग इसको ट्यूटोरियल बोल रहे हैं, नहीं है यार ये ट्यूटोरियल नहीं है, मैं कोई एक चीज़ बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये होती है ट्रेनिंग, सही है। और ये ट्रेनिंग में अगर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, सही है। जैसी हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी मैं इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल शुरू करूंगा और साथ साथ फोटोशॉप की ट्रेनिंग शुरू करूंगा। सो यार प्लीज़ आप लोग देखते रहें एंड मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस मेरे चैनल से और आई होप मैं कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा कर रहा हूँ और आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है जी। सो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं पता मैं कब लेकर आऊँगा, लेकिन मैं लेकर आऊँगा, थोड़ा बिजी स्केड्यूल है, आज मैंने टाइम निकाल के मैंने बस ये किसी तरह से कर ली है एंड आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। सो थैंक यू।